सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ से ज्यादा के ठगी के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस 12 सितंबर को दिल्ली पुलिस के सामने पेश नहीं होने वाली हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि EOW ने जैकलिन को समन देकर पूछताछ के लिए 12 सितंबर को हाजिर होने के लिए कहा था, लेकिन एक रात पहले पता चला कि जैकलिन सोमवार को दिल्ली पुलिस के EOW के सामने पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को जानकारी दी गई है कि जैकलिन काम के सिलसिले में ज्यादा बिजी हैं। आपको बता दें, EOW ने पूछताछ के लिए जैकलिन फर्नांडिस को दूसरी बार समन भेजा था। पहली बार 29 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन तबीयत खराब होने का हवाला देकर एक्ट्रेस पूछताछ में शामिल नहीं हुई थी और अब एक बार फिर जैकलिन ने इस पूछताछ को टाल दिया है। बता दें कि ये पूछताछ सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में ही की जा रही है। दिल्ली पुलिस ये जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है कि ठग सुकेश चंद्रशेखर से एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस का क्या कनेक्शन था। इस मामले में कुछ समय पहले ईडी की चार्जशीट भी सामने आई थी। इस चार्जशीट में जैकलिन का नाम भी शामिल था। चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए थे। ईडी ने कहा था कि जैकलिन को ठग सुकेश के काले कारनामों के बारे में सब कुछ पता था, इसके बावजूद वो उनके महंगे गिफ्ट लेती रही। इतना ही नहीं, ईडी ने तो अपनी चार्जशीट में ये भी दावा किया था कि सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन फर्नांडिस के लिए श्रीलंका में घर खरीदा था और इसके अलावा भी मुंबई के जुहू में बंगला बुक कर लिया था। इन दोनों प्रॉपर्टी के अलावा सुकेश ने जैकलिन को बहरीन में भी एक घर गिफ्ट किया था। जिस बहरीन के घर के बारे में ये बात हो रही है, वो दरअसल जैकलिन के पेरेंट्स को गिफ्ट किया गया था, ऐसी खबरें आई थी। बता दें कि ईडी ने इस चार्जशीट में ऐसे न जाने कितने ही खुलासे और दावे किए हैं। जो चार्जशीट के मुताबिक अगर बात करें तो आपको बता दें, जुहू में जो बंगला जैकलिन फर्नांडिस के लिए खरीदा गया था, उसके लिए सुकेश ने एडवांस पेमेंट भी कर दी थी। सुकेश ने अपनी सहयोगी पिंकी ईरानी को इन सारी प्रॉपर्टीज की खरीद करने के लिए जानकारी दी थी। शायद पिंकी ईरानी के बारे में आपको ना पता हो तो वो भी आपको बता दे। दरअसल पिंकी ईरानी वो महिला थी जिसको ये काम सौंपा गया था कि वो जैकलिन फर्नांडिस और सुकेश चंद्रशेखर के बीच दोस्ती करवा दे। हालांकि ये फ्री में बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए पिंकी ईरानी को करोड़ों रुपए दिए गए थे। इस केस में जैकलिन फर्नांडिस लगातार इस बात से दावा करती रही हैं कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के बारे में कुछ नहीं पता था, उनकी असली पहचान उन्हें नहीं पता थी। वो सुकेश को शेखर के नाम से जानती थी, जो कि एक मशहूर राजनीतिक परिवार से है। लेकिन ईडी का आरोप है कि एक महीने में ही जैकलिन को खबरों के जरिए इस बात की जानकारी हो गई थी कि वो सुकेश चंद्रशेखर है। जैकलिन फर्नांडिस के अलावा ठग सुकेश चंद्रशेखर के वसूली केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस नौरा फतेही भी जांच एजेंसी के टारगेट पर आ चुकी हैं। 2 सितंबर को दिल्ली पुलिस EOW ने नौरा फतेही से भी पूछताछ की थी। दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित आर्थिक अपराध शाखा में उनसे करीब 6 घंटे की पूछताछ की गई थी। सुकेश चंद्रशेखर ने दिसंबर 2020 में नौरा फतेही को BMW कार गिफ्ट की थी। इन आरोपों से इनकार करते हुए नौरा फतेही का कहना था कि उन्हें ये कार सुकेश ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी लीना ने दी है, जो कि चेन्नई में एक इवेंट के बदले दी गई थी। इस मामले में वैसे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।